हेलो फ्रेंड्स, डिजायर क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक पांड्या ने खेला तेजी से सीधा शॉट, अंपायरिंग कर रहे अंपायर के होश ठिकाने में आ गए। जी हां, कोलंबो टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 622 रन का स्कोर बना लिया है, जिसके जवाब में दूसरे दिन के खेल खत्म होने पर श्रीलंका के 2 विकेट 50 रन पर गिर गए। भारत के गेंदबाज खासकर अश्विन ने शानदार गेंदबाजी की और 2 श्रीलंकाई बल्लेबाज को आउट कर कमाल कर दिया। लेकिन इससे पहले भारतीय बल्लेबाजी की पारी में एक ऐसा वाक्या हुआ जिससे भयानक हादसा हो सकता था। जी हाँ, हुआ ये कि भारत की पारी में हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे। मलिंडा पुष्प कुमारा की गेंद पर एक तेज तर्रार शॉट खेला जो सीधे गेंदबाज के बगल से निकला। शॉट इतना तेज था कि गेंदबाज के पास कैच लेने का कोई भी मौका नहीं मिला। ऐसे में गेंद अंपायर के पास चली गई। वो तो गनीमत रही कि अंपायर रॉड टकर ने फुर्ती दिखाते हुए गेंद की लाइन से अलग हो गए, वरना यदि गेंद अंपायर को लगती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। टीवी में जब इस शॉट को स्लो करके देखा गया तो रॉड टकर ने जिस अंदाज में अपना बचाव किया वो काबिलियत तारीफ था। अपना बचाव करने के बाद अंपायर और हार्दिक पांड्या की नजरें मिली तो दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे मानो एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, डी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।